वेलकम बैक माई चैनल। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अब सहरी की तैयारी हम शुरू करें। सहरी से लेकर अफ्तारी तक का व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। पराठे फ्राई कर लेती हूँ, इसको मैं खोल लूँगी। अच्छा, इस 20 पराठों के साथ ये गिफ्ट था उसने। आज सेना मैडम भी उठ गई हमारी। मैंने ये बिरयानी है थोड़ी सी, तो ये भी मैं गर्म कर लूँ। मेरे पराठे रेडी हो चुके हैं। हमारी आज की सहरी है। माशाल्लाह, देखें आगे अपना पढ़ रहे हैं, क्या लिखे एग्ज़ाम है। सहरी के बाद फजर की अज़ान हो गई, फिर नमाज़ पढ़ी और अली के मैं कपड़े चेंज करा देती हूँ नमाज़ के टाइम, और नमाज़ पढ़ने के बाद इनके कपड़े वापसी चेंज करा देती हूँ, क्योंकि वैसे तो छोटे ही ख़राब कर लेते हैं। तो बस अभी नमाज़ पढ़नी है, फिर इसके इनके कपड़े चेंज करा के फिर इनसे बोलूँगी अपनी स्टडी दोबारा से करें। और आप सब दुआ कीजिएगा अली के लिए कि इनके इम्तहान में कामयाबी अता फरमाए, और मेरी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से मुझे ये अच्छा लगता है, और इस तरह से मैंने एक कोना मतलब नमाज का बनाया हुआ है। उसे तो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, पर एक महसूस बनाती है, तो उससे ये होता है कि बच्चे भी बड़े खुश होकर पढ़ रहे हैं और एक अच्छा लगता है, एक रमज़ान की एक अलग फीलिंग आती है। तो बस मैंने इस नियत से इसको डेकोरेट किया, और मैं हर साल करती हूँ, हर दफ़ा कुछ ना कुछ अलग तरीके से कोशिश करती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने कुछ इस तरह से इसको डेकोरेट किया था। मैंने नमाज़ पढ़ ली, बस अली पढ़ रही नमाज, जब तक उसकी भी अपना पढ़ रही है, अली भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं। ज़ैनब की बर्थडे भी है ना जैनू, आपकी बर्थडे आज। इबादत तो होती है, पर ये महीने इबादत का इसमें हर सवाब डबल है, तो अल्लाह इबादत होने की धरती का तब करना है, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हमारी बख्शिश का तमाम करना है, हमारे बच्चों के इनमें रिस्क में रोजी में सेहत में सब में बरकत अदा करना है, बच्चों को अच्छा मिले तो सच्चा इंसान बनाए, और पाँच बच्चा नमाजी बनाए। आमीन से मामीन। अब बस थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, फिर इसके बाद अपने अपने कपड़े चेंज करेंगे और अपनी स्टडी की तैयारी करेंगे। आप सब प्लीज़ दुआ कीजिएगा अली के लिए कि अली के और तमाम जितने बच्चों के इम्तहान हैं सबसे इम्तहान में कामयाबी तक करना है। आमीन। और अब बस अली कपड़े चेंज कराते हैं, फिर इसका तैयारी कराएँ। कितना हो गया? अभी तक ज़ैनब देखो सो ही नहीं है, उठी हुई है जब से। चलिए करो बेटा अली कंप्लीट इसको, मैं आपको दूसरे को बता दूँ। हाँ सुबह हो गई, देखो चलिए करो अली इसको, मुझे टेस्ट हो। ज़ैनब ये रैपर्स उठाओ, आपने फेंका है, आपने कागज़ फाड़ के फेंका ना, उठाओ। चलिए अली कर लो, और उठाओ वहाँ से। ज़ैनब की ड्रेस है मम्मा ने दिए, मैंने और भी ड्रेस हाथों हाथ दिखाऊंगी। मैं अभी फिलहाल ये ड्रेस बना रही, क्योंकि मैंने तो कुछ बर्थडे का करा ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो। कुरान पाक भी पढ़ लिया, बस जल्दी से अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। जल्दी से रेडी कर दी। आज ज़ैनब की बर्थडे है, वैसे तो मैंने किसी को नहीं बुलाया, पर अभी मम्मा बहन अचानक आए, तो बस चलिए लिए दोबारा से कुछ करती हूँ। वैसे केक लेकर आए तो केक मुझे मंगाना नहीं पड़ेगा। अम्मी केक लाई है अली, लग दो सब वहीं पर, लग दो जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
ये हटा ले लेंटे बाद वालदा उठने चले गए और अभी दे रहे हैं वीडियो बनाते जाते हैं कि और फिर उसके बाद हम ससुराल गए अचानक हमने यहाँ निकल गए और हमने यहाँ लाइटिंग हमने यहाँ पर भी की भाई को तो बुला घर बैठ हो ना मैं नहीं बड़ी सारी सारी किधर चला गया सही में चलो चलना जलाइए जलाओ लाइट बंद कर दीजिए अच्छा लाइट बंद कर देना ना लाइट बंद को सबको अपने हाथ से खिलाई थी बहुत प्यारी है मेरी नन और माशाल्लाह सबको और फिर उसके बाद हम घर आ गए मारो ये प्यारी सी ड्रेस आप देख रहे हैं ना ये ज़ैनब को गिफ्ट आई है जो प्यारी सी पर एक बच्ची रहती है उसने ज़ैनब को ये गिफ्ट दिए और ज़ैनब ज़्यादातर ऊपर ही अपना टाइम स्पेंड करती है ऊपर हर वक्त रहती है बहुत अच्छी है ज़ैनब की दोस्ती हुई और माशाल्लाह वो लोग बहुत ख्याल रखते हैं और इसके सब एंगल्स हैं प्यारी ज़ैनब को चूड़ियाँ वैसी बहुत पसंद है जब आई ना ज़ैनब से सीख कहीं मुझे पहना अभी मम्मा ने दी चूड़ियाँ ऐसे पहले मेरी सास ने दी फौरन पहनती फिर ना उतार के दोधर मैंने अभी रख दी कि मैंने कहीं दोधर कर देगी बहुत ज़बरदस्त ड्रेस लग रही है ना ज़ैनब को बहुत पसंद आई वो थैंक यू सो मच गिफ्ट के लिए क्योंकि मैंने तो दिलाया भी नहीं बेचारी को ना कुछ करा उस बेचारी के लिए और अचानक ये सहरी के टाइम पे ज़ैनब को गिफ्ट देने आई और बहुत बहुत शुक्रिया दुआ में अपने ज़ैनब को याद रखा अपने गिफ्ट में याद रखा मैंने सोचा था बिरयानी मंगाने का पर मम्मा केक और बिरयानी लेकर आई थी तो फिर मैंने नहीं मंगवाई और बस हैशटैग ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ वीडियो अच्छी लगी लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा फिर हमारे लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़